हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है हमारी एकदम नई वीडियो में। तो आज का जो वीडियो है वो होने वाली काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है सबके लिए, क्योंकि जो आज के टॉपिक है वीडियो का वो है कि इंडिया टीम तक पहुंचने में आपको कितना टाइम लगेगा। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो भी है, क्योंकि आप टाइटल देख के समझ ही गए होंगे और थंबनेल देख कर कि इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं। बात करने वाले हैं कि इंडिया टीम तक पहुँचने में आपको कितना टाइम लग जाएगा, कितना समय भी लग सकता है, तो उस पर वीडियो बात बनाने वाले हैं। तो आपको वीडियो को अंत तक देखना ताकि आपके सारे डाउट्स हो वो क्लियर हो जाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बात कर लेते हैं कि क्रिकेटर बनने में आपको कितना टाइम लगता है। तो सबसे पहले बात करते हैं उन लोगों की, जिन लोगों की क्रिकेट के बारे में कुछ भी नहीं पता, जिन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया जीरो से लेके, तो जिन्होंने जिन्हें बल अपना बैट पकड़ना भी नहीं आता, तो उन लोगों के लिए क्रिकेट काफ़ी चैलेंज होगा सीखना। तो उन लोगों को मतलब क्रिकेट सीखने सीखने बेसिक आने में कम से कम 2 से 3 साल लग जाएंगे, जो उनका बेसिक क्लियर होगा जब तक, क्योंकि 2 से 3 साल उनका बेसिक क्लियर होगा, उसके बाद ही वो थोड़ा आगे अच्छा परफॉर्मेंस देंगे टूर्नामेंट के लिए, जो भी उनका जो चालू होगा उनका करियर आगे जाकर। तो 2 से 3 साल लग जाएंगे उन्हें बेसिक करियर करने में, जो मतलब जिन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया जीरो से। और तो उसके बाद बात करते हैं उन लोगों की, जो लोग क्रिकेट तो खेलते हैं लेकिन वो टेनिस बॉल से खेलते हैं। तो इंडिया में बहुत सारे लोग, जितने भी क्रिकेटर हैं, मतलब जो भी बच्चे हैं, उन्होंने अपना जो करियर होगा गली क्रिकेट से स्टार्ट किया होगा, टेनिस बॉल से स्टार्ट किया होगा। तो उन लोगों के लिए उन्हें मतलब बैट पकड़ना आता है, उन्हें मतलब थोड़ा बहुत क्रिकेट के बारे में पता होता है, लेकिन उन्होंने जब वो पहली बार लेदर से खेलते हैं, जब वो प्रोफेशनल क्रिकेट के लिए अपना खेलना स्टार्ट करते हैं, तो उन्हें भी टाइम लग जाए, क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है टेनिस बॉल में और एक प्रोफेशनल क्रिकेट में लेदर की बॉल में। तो उन्हें भी काफ़ी टाइम लग जाएगा मतलब अच्छे से लेवल पर आने के लिए। तो कम से कम उसमें भी आपको 1 साल या 1.5 साल लग जाएगा अच्छे से मतलब टेनिस बॉल प्लेयर को क्रिकेटर बनने के लिए, प्रोफेशनल क्रिकेटर बनने के लिए, लेदर बॉल खेलने के लिए। तो ऐसे 1.5 साल वहाँ लग जाएगा। तो जैसा कि मैं बताइए, टेनिस बॉल प्लेयर को भी टाइम लग सकता है 1 से 1.5 साल। फिर डिपेंड करता है प्लेयर की मेहनत पर, उसके टैलेंट पर, कि उसमें कितना ज़्यादा टैलेंट हो, तो कितना ज़्यादा हार्डवर्क करता है क्रिकेट को लेकर, कितना ज़्यादा वो अपने उसमें डेडिकेटेड है, कितनी वो मेहनत करता है क्रिकेट को लेकर, तो उस पर डिपेंड भी करता है उसका करियर। तो अब बात कर लेते हैं कि हम क्रिकेटर बनने में, एक मतलब प्रोफेशनल क्रिकेटर बनने में, इंडिया टीम खेलने में आपको कितना टाइम लग जाता है। तो ऐसा कोई एकदम क्लियर नहीं है कि आपको इतने साल ही लगेंगे, 10 साल 8 साल 6 साल 5 साल 15 साल भी लग सकते हैं आपको एक क्रिकेटर बनने में, क्योंकि इसमें कोई एज लिमिट नहीं है। और ना मैं एक कह सकता हूँ कि आपको कितना टाइम लगेगा, इसमें कितना भी टाइम लग सकता है, वो तो आपको डिपेंड करता है आपकी मेहनत पर, आपके टैलेंट पर, कि आपको कितना ज़्यादा टैलेंट है, आप कितनी ज़्यादा मेहनत करते हो क्रिकेट को लेकर, तो उस पर आपको सारा डिपेंड करता है। तो उसके लिए अलग से प्रोसेस भी है, तो प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले प्रोसेस क्या होता है कि आपको लोकल टीम को रिप्रेजेंट करना होता है, लोकल टीम के बाद आपको जोन लेवल पर आपको रिप्रेजेंट करना होता है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, उसके बाद इंटर डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद आपको जूनियर टीम, उसके बाद सीनियर टीम, उसके बाद आता है आपका अंडर 14, अंडर 16, अंडर 19, अंडर 23। तो इन सबको आपको रिप्रेजेंट करना होता है। उसके बाद आप इन सबको रिप्रेजेंट करने के बाद आपको डोमेस्टिक लेवल पर भी रिप्रेजेंट करना होता है, जैसे रणजी ट्रॉफी, दियोदर ट्रॉफी और भी कई ट्रॉफी होती हैं, उन सबको आपको रिप्रेजेंट करना होता है। उसके बाद आपको IPL में रिप्रेजेंट करना होता है, उसके बाद ही आप कहीं जाकर IPL या इंडिया टीम के लिए खेलते हो। तो इसमें काफ़ी लंबा प्रोसेस है क्रिकेटर बनने के लिए, इंडिया टीम तक पहुँचने के लिए। इसमें कोई पहली बात, उसमें कोई एक टाइम फिक्स नहीं है कि आपसे 10 से 15 साल में इंडिया टीम के लिए खेल जाओगे, ऐसा कोई कंफर्मेशन नहीं है। तो उसके बाद डिपेंड करता है आपकी मेहनत पर, जैसा कि मैंने बताया इसमें काफ़ी लंबा प्रोसेस है, आपको ये सारे प्रोसेस क्लियर करने के बाद आप इंडिया टीम तक पहुँचोगे, उसके बाद ही आप इंडिया टीम तक खेल पाओगे। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं यही बताना चाहता था कि इसमें कोई एक टाइम नहीं है, फिक्स नहीं है कि आप इतने टाइम तक इंडिया टीम तक पहुंच जाओगे। आशा करता हूं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर करिए वीडियो को, शेयर करिए वीडियो को, सब्सक्राइब करिए चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।